हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एग्री मशीनरी बनाने वाली एक कंपनी स्कॉट्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों स्कॉट्स का शेयर प्राइस जो है वो 52 वीक हाई यानी लगभग 1070 रुपये को छू लिया है, और इसके कारण रहे हैं कि इनके जो जून क्वार्टर के जो नंबर आए हैं सेल्स के वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, और इन्होंने कुल जून में जो है 10,851 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो कि लगभग 21% ज़्यादा है जो कि उन्होंने लास्ट ईयर जून क्वार्टर में बेचा था। यानी लास्ट ईयर इन्होंने 8,960 ट्रैक्टर बेचा था, उसके बनिस्पत इन्होंने इस बार जून में 10,851 ट्रैक्टर बेचा है। तो दोस्तों इनके सेल्स में हम लोगों को कोविड के लॉकडाउन का किसी भी तरह का कोई मार देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तों ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इनके जो डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स में जो है इसमें भी काफ़ी ग्रोथ आई है, और इन्होंने पिछले साल के बनिस्पत लगभग 23% के आसपास जो है इन्होंने ग्रो किया है। और दोस्तों अगर एक्सपोर्ट फ्रंट की बात करें तो इनका जो जून 2020 में एक्सपोर्ट था वो 228 ट्रैक्टर का था, जबकि लास्ट ईयर ये 312 ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को ये दिख रहा है कि इनके एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, लेकिन जो इनके डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके शेयर प्राइस में इतना उछाल क्यों आया है। तो दोस्तों इस संबंध में स्कॉट लिमिटेड पर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया था और मई महीने में इसको अपलोड किया था। उसमें हम लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं की थी इनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग कुछ प्राइस टारगेट लगाने से पहले उस पुराने वीडियो का पोर्शन देख लेते हैं कि उस वीडियो में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था और फाइनली हम लोगों ने क्या पाया था और किस प्रकार से उसके बाद से स्कॉट लिमिटेड का जो शेयर भाव है वो किस प्रकार से बिहेव किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग उस पुराने वीडियो को देखते हैं। चलिए दोस्तों इसके और भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रमोटर्स के पास 40% शेयर है और FIs जो है इसमें लगभग 19% स्टैक लिए हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये समझ पाने में सफल हुए हैं कि FIs का इस छोटी सी कंपनी में काफी इंटरेस्ट है, और आखिर झुंझुनवाला जी का भी इसमें इंटरेस्ट है, और हम लोगों में इतने भी पाया है कि इसका फंडामेंटल्स काफ़ी सही लग रहे हैं और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, रिजल्ट भी अभी कोविड सिनेरियो में मोटा मोटी ठीक ठाक आया है। तो इसलिए बाजार इस शेयर को काफ़ी तवज्जो दे रहा है और ये 52 वीक हाई लगा रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके चार्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये आने वाले समय में किस प्रकार का करेगी प्राइस वेरिएशन दिखाएगी। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है 57 रुपये से बढ़ करके आज के डेट में ये 909 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो जिस प्रकार से हम लोग बिजनेस ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखा है, उस हिसाब से इसके शेयर के भाव में भी काफ़ी अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 15 EMA से ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है इतने खराब माहौल में भी, और इसका जो लाइफ हाई है लगभग 106 रुपये के आसपास दिख रहा है यहाँ पर, 1021 रुपये के आसपास। तो अब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस नेगेटिव माहौल में भी ये जो स्कॉट्स लिमिटेड का शेयर है ये अपने 52 वीक लाइफ हाई को ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और हम जल्द ही इसको 1000 से ऊपर के स्तरों में ट्रेड करता हुआ पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छा दिख रहा है, और कोविड सिनेरियो में इसके जो बिजनेस एरिया हैं वो सारे ग्रीन एरिया में आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनका जबरदस्त सेल्स देखने को मिलेगा
और वो इनके बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखने को मिलेगा, इसलिए प्राइस में भी इसका पहले से ही जंप देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में ये काफी अच्छा करने जा रही है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी पाया कि क्या कारण है कि एक तरफ दिग्गज कंपनी के सारे शेयर पिट रहे हैं और स्कॉट्स इंडिया लिमिटेड के शेयर जो है 52 वीक हाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एनालाइज किया, सब कुछ जानने और समझने कोशिश किया। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि पुराने वीडियो में हम लोगों ने स्कॉट के बारे में चर्चा की थी, उस समय स्कॉट का भाव 902 रुपये के आसपास था और हम लोगों ने इनके सेल्स रिपोर्ट और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में चर्चा करके पाया था कि ये स्टॉक का लाइफ हाई 1021 रुपये के आसपास था और उस समय हम लोगों ने संभावना व्यक्त की थी कि ये जल्द ही 1000 के स्तर को पार करेगा और अपने लाइफ हाई को भी ये ब्रेक करेगा और न्यू लाइफ हाई बनाएगा। ऐसा हम लोगों ने अपने एक महीने पुराने वीडियो में ही चर्चा की थी और जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अभी सुर्खियाँ बटोर रहा है कि ये 52 वीक हाई पर चला गया है, 1070 के आसपास इसका शेयर भाव ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी संभावनाएं हम लोगों ने एक महीना पहले ही इसके बारे में लगा ली थी और उसके कारण भी उस वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। उसको सारी जानकारी को देखने के लिए आप मेरे पुराने स्कॉट्स लिमिटेड के वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि अब चार्ट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ने चर्चा किया था कि ये लाइफ हाई को टच करेगा और उसी प्रकार इसने अपने लाइफ हाई को टच भी किया और ये न्यू लाइफ हाई बनाने में भी सक्षम रही। अब जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ गिरावट आई है और ये लगभग जो है 1,033 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब दोस्तों अब इसमें हम लोग क्या संभावनाएं और तलाशते हैं कि फ्यूचर में इस शेयर में क्या हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों अब रिजल्ट का सीजन शुरू हो गया है और Q1 का रिजल्ट आने वाला है तो कहीं ना कहीं स्पॉट्स के रिजल्ट जो हैं वो भी इस महीने में किसी दिन आएंगे, जिसकी अभी घोषणा होना बाकी है। लेकिन इस तरह से लॉकडाउन में ये कंपनी स्पॉट्स इंडिया लिमिटेड काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश की थी तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है उसके इसके कारण इसके रिजल्ट जो है Q1 के और भी बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्कॉट्स लिमिटेड जो है आने वाले समय में और नए नए लाइफ हाई लगातार हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा हम लोग इसके पास्ट के रिजल्ट से जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है उनके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब मार्केट किस तरह से बिहेव करता है स्कॉट्स लिमिटेड के साथ वो तो आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन हम लोगों के एनालिसिस से ये पता चल रहा है कि स्कॉट्स लिमिटेड काफ़ी मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है और लॉकडाउन में भी ये बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आई थी Q4 और एनुअली बेसिस पर। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि FY21 के Q1 का रिजल्ट इनका और भी बेहतरीन हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर भी करें और अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।